नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करते हैं कि जो जियो, एयरटेल और वोडाफोन जो अभी ऑफ़र्स दे रहे हैं, तो कस्टमर काफ़ी कंफ्यूज है कि वो कौन से ऑफ़र्स को ले, क्योंकि आजकल अभी ये तीनों ने इंडिया में काफ़ी धमाके मचा के रखे एक नए नए ऑफ़र निकालने का। जब से जियो आया तब से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बड़ी बड़ी कंपनी हिल गई है। तो अभी ये जो नए ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो आप कौन सा प्लान ले और कौन सा प्लान ना ले, तो मैं आज आपको ये वीडियो में सब बता दूंगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आप कौन से प्लान के लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल ने अभी जो रिसेंटली एक प्लान निकाला था 399 रुपीज़ का, 3 महीने में 84 GB। तो प्लान बेसिकली काफ़ी अच्छा है, जो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और फिर मैसेजेस मिलते, और रोज़ का 1 GB हाई डेटा स्पीड मिलेगा आपको 4G नेटवर्क पे, और उसके बाद लो हो जाएगा। तो काफ़ी जियो की तरह ही यानी सब उन्होंने रखा है, और प्लान भी तो एयरटेल ने ये काफ़ी अच्छी चाल चली, क्योंकि अभी भी एयरटेल के पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स है और दूसरा जियो है। तो एयरटेल के पास पता है उनको लास्ट चांस है, तो उनको अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे एयरटेल भी पीछे हो जाएगा। तो ये बात हो गई एयरटेल की। अब अगली बात करते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन ने जो अभी एक प्लान निकाला है 352 रुपीज़ में, जो अभी बेसिकली जो न्यू कनेक्शंस लेंगे उनके लिए, यानी वो भी 3 महीने में 84 GB देगा। जियो और एयरटेल से तो काफ़ी अच्छा और सस्ता प्लान है, लेकिन प्रॉब्लम ये अभी तक सिर्फ वो दिल्ली में स्टूडेंट्स को अवेलेबल हुआ है। और अब जब आप एक नया कार्ड लोगे, सपोज अभी आपने वोडाफोन का कार्ड लिया, तो आपको इनिशियली 445 रुपीज़ देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये 352 का प्लान मिलेगा। तो ये पता नहीं वोडाफोन ने कैसा ये 500 रुपये का पहले स्टार्टिंग में दो, फिर 352 दो, कुछ समझ में तो नहीं आया। पर अभी आपको पता है इंडियन यूज़र्स कैसे, वहाँ पे 50 रुपये कम मिल रहे तो जियो को छोड़ देंगे, पर पहले वो 500 रुपये देंगे और सोचेंगे नहीं यार बाद में 50 रुपये ही कम मिल रहे, तो हम 50 रुपये के लिए वोडाफोन ही लेंगे। तो इसके तरह से वोडाफोन को लग रहा है कि भाई ये अभी 50 रुपये कम रखने से हम जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ देंगे। देखते अभी अगर वोडाफोन पुराने कस्टमर्स के लिए भी कर दे, तो सही में यार वोडाफोन कुछ बोल नहीं सकते, जियो को पीछे छोड़ देगा सीधा। उसके बाद बात आती है जियो की। अभी जियो ने जो 399 का प्लान निकाला, तो वही एयरटेल ने कॉपी मार दिया एकदम सेम, 3 महीने के लिए 84 GB पर डे, 1 GB उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी आपकी, वही आपको कॉल्स अनलिमिटेड मिलेंगे, SMS अनलिमिटेड। तो क्यों यार आप, क्यों एयरटेल ने कॉपी मारी जियो की, मुझे वो नहीं समझा। अगर करना था तो 20-30 रुपये कम रख देते यार, तो ज़्यादा करके आपका एयरटेल के कस्टमर ज़्यादा बढ़ जाते थे, जियो के कम हो जाते थे। पर नहीं, हमें तो वही प्लान मारना है, हमें तो जियो की ही कॉपी मारनी है, तो मारो, देखते अभी क्या होता है, देखते अभी। तो आपको उम्मीद है ये स्पेसिफिक हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अगर एयरटेल यूज़र्स एयरटेल से सेटिस्फाइड हो गए, तो आप एयरटेल के प्लान के साथ जाइए या फिर आप जियो के साथ रुके, क्योंकि आपको पता है जियो बहुत धमाके कर रहा है, आगे क्या भरोसा। वो अभी 399 का प्लान है, आगे बोल दे आपको भाई ये लो 300 रुपये में प्लान हो गया, फिर एयरटेल फिर से करेगा अरे ये लो फिर 250 रुपये में प्लान, ऐसे करते करते कहीं 50 रुपये तक ना आ जाए। तो देखते, और वोडाफोन से भी काफ़ी उम्मीद है मुझे कि अगर पुराने कस्टमर्स के लिए कर दे, जैसे मेरे जैसे कस्टमर्स हो, तो मैं भी वोडाफोन के लिए जाऊँ, मैं भी जियो को छोड़ दूंगा। तो शुक्रिया दोस्तों, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।